गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे, खुश, हेल्दी एंड फिट होंगे। सो आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे अलग अलग वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम आप पिचके हुए गालों को कैसे फुला सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो प्लीज बनाइए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। फुले हुए गाल सबको पसंद आते हैं, बट कुछ लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कुछ लड़कियों की, लेडीज की, बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि पिचके हुए गाल उनके फेस पे सूट नहीं करते हैं। उनको चाहता है कि किस तरीके से हम इसको बढ़ाएं, ट्राई भी करते हैं बट वो नहीं हो पाता है। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले आएंगे। एंड बहुत ही जल्दी मैं 10K के ऊपर, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसके ऊपर मैं एक बहुत ही जल्दी गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ। सो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिचके हुए गालों के रीजन क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं बट कुछ मेन कारण होते हैं जिसको देख के आप भी देख सकते हैं कि आपका क्या कारण हो सकता है। सो सबसे नंबर वन रीजन है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी विटामिन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप विटामिन की जितनी भी कमी है उसको पूरा करें, न्यूट्रिशन की मात्रा है उसको पूरा करें और अपने हेल्दी डाइट रहें। जितना हेल्दी आप लेंगे उतनी ही अच्छे आप हेल्दी होंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी एंड गाल ऑटोमेटिकली आपके अच्छे ग्लोइंग एंड फूले हुए रहेंगे। सो नंबर टू पॉइंट है यहाँ पे पानी की कमी। आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी अच्छे मात्रा में पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर तो आपको एक दिन में जरूर पीना है। इन सब चीजों की प्रॉब्लम की वजह से भी आपके गाल पिचके हुए रहते हैं। सो थर्ड रीजन है यहाँ पे टाइम फॉर फूड ना लेना। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। टाइम पर आपको उठना है, टाइम पर खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका टाइम पे होना चाहिए। ये भी आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ही एक मेन कारण है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फिट भी रहेंगे एंड आपके गाल भी पिचके हुए नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली फूल जाएंगे। फोर्थ रीजन है यहाँ पे एक्सेस डाइटिंग। अगर आपकी डाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके अंदर वीकनेस आएगी जिसका इफेक्ट आपके फेस पर भी पड़ेगा। बहुत गर्ल्स अपनी डाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, डाइटिंग बहुत ज्यादा करती है, बहुत ही कम खाती है। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है। एंड फिफ्थ रीजन है यहाँ पे स्मोकिंग यानी धूम्रपान। जो भी बहुत लड़कियां या बहुत लोग जो करते हैं स्मोकिंग, ट्राई करें कि कम से कम करें, हो सके तो ना ही करें क्योंकि इस बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड लास्ट रीजन आपका बॉडी सिकनेस भी हो सकता है। बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में बहुत तरीके की सिकनेस हो सकती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। ओके, तो ये सभी रीजन है आपके गाल पिचके होने के। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने गालों को किस तरीके से फुला सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ इसमें कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। नंबर वन टिप होने वाली है आपकी एक्सरसाइज, फेस की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपको गाल को ऐसे पकड़ के इस तरीके से करना है, गाल में पेन नहीं करना है बट इस तरीके से करना है कि आपकी, जैसे हम बच्चे को करते हैं, कुछ लोग इसको चिकोटी भी बोलते हैं, तो आपको बहुत ही लाइट ऐसे ऐसे करना है। ट्राई करें 3 से 4 बार 5 बार जब भी आपको टाइम मिले, फ्री बैठे हो तो आप इस तरीके की एक्सरसाइज करें एंड थोड़ी थोड़ी देर इसको 3-3 सेकंड के लिए होल्ड करें। नाउ सेकेंड टिप, आपको क्या करना है, कभी भी आप फ्री बैठे हो आपको ये वाली एक्सरसाइज डेली करनी है, 3 से 4 बार जरूर करनी है। आपको अंदर हवा भरनी है, जैसे कि हम बलून फुला रहे हो, अगर किसी के पास बलून है तो आप उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको फुला सकते हैं, या फिर आप सिंपल हवा भर के कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। इस तरीके से आपको 10 सेकंड के लिए करना है। इन सब एक्सरसाइज से आपकी मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है जिसकी वजह से ये आपके गालों को फूलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको फेस की मसाज करनी है रॉ मिल्क या मिल्क जो भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप उस मिल्क से पूरे दिन में आपको 2 बारी आपको अपने फेस की मसाज करनी है। आप पूरे फेस में भी मसाज करें वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि आपके फेस को ग्लो मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की दूर होती है। लेकिन अगर आपको पूरे फेस में मसाज नहीं करनी है, जस्ट आपको डिप करना है एंड मिल्क से जस्ट इन चिक्स पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है।
दो से तीन मिनट आपको ये मसाज करनी है एंड एक दिन में दो बार करनी है। तो इसको आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो भी रहेगी एंड साथ में आपको पिछके हुए गालों से भी आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, उससे आपको एक दिन में दो से तीन बारी मसाज करनी है, डिप करना है ऑयल में एंड इस तरीके से दो से तीन मिनट मसाज करनी है। तो आपको ये मसाज सर्कुलर मोशन में दो से तीन मिनट करनी है, सेम प्रोसेस है एंड ट्राई करना है, एक दिन में दो से तीन बारी जरूर करें। नाउ नेक्स्ट टिप में आपको क्या करना है, मेथी दाने को पीस कर आपको उसका पेस्ट बना लेना है एंड उसको लगा के कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, चीक्स पर लगाना है एंड 10 मिनट के लिए छोड़ के आपको उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी गाल को फुलाने में। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट टिप में आपको बताने वाली हूँ, एप्पल को आपको डेली बेसिस पे आपको अपनी डाइट में लेना है एंड उसका एक थोड़ा सा पेस्ट बनाकर, पीस कर थोड़ा सा पेस्ट बनाकर आपको अपने गालों पर लगा लेना है। एप्पल के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, जो आपके फेस की मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा आराम देता है, आपके फेस को इवन ग्लो बना देता है एंड ऑब्वियसली डाइट के लिए तो हेल्दी है ही। सो आई होप आपको यही सभी चीजें बहुत ही ज्यादा काम आए आपके फेस को ग्लो बनाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए एंड आपके पिचके हुए गालों को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी कश्यप को। टिल देन बाय एंड टेक केयर।